आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप इतनी देर तक इंतजार किए, इसके लिए भी मैं आप सभी का आभार मानता हूं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहित किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे, इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे लिए जो सभी डेलीगेट्स, लीडर्स, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण जो प्रोत्साहित किए और इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो सहकार मिला उनको, इसलिए उनका फिर एक बार मैं आभारी हूँ। खासकर जो खुद यहाँ पर आकर EICC ऑफिस में वो मेरे नामांकन भरे, प्रपोज किए, सेकंड किए, तो इसीलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, आगे इलेक्शन चलेगी। 17 तारीख अगर वोटिंग होगी तो 17 तारीख, और 17 तारीख रिजल्ट्स जो आएंगे वो देखा जाएगा। और मुझे, मैं आपके ओर से, सभी मीडिया के ओर से भी या सभी नेताओं के ओर से भी मैं यही अपील करूंगा, सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे, ये आशा करता हूँ। मैं जो लड़ाई हमेशा लड़ते हुए आया हूँ और लड़ना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूँ। जब मैं 8th-9th में पढ़ता था तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसूलों, गांधी जी के उसूल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान तैयार किया, इन ऐसे नेताओं के विचारधारा को सामने रखते हुए मैं, खासकर इस समय मुझे याद करना जरूरी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद गुलबर्गा आकर हम सबको प्रोत्साहित करके कांग्रेस में एक ऊर्जा तैयार करके कांग्रेस पार्टी में एक काम करने का मौका दिया। और पहला टिकट मुझे 1972 में मिला, तब से मैं लगातार चुन के आ रहा हूँ और चुने जा रहा हूँ, ये लोगों का आशीर्वाद है। और उसी ढंग से आज मुझे फिर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने आशीर्वाद करके अपने गुड विशेस मेरे साथ रख के आज मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए ये नामांकित किया गया है।
या मैं जो आज जो फॉर्म भर रहा हूँ तो बड़े उत्साह के साथ मेरे साथ सभी लोग जुड़े हैं, सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। वो कुछ नहीं, देखो मुझे जो कहना, सुने सुने मुझे जो कहना है मैं कहा हूँ, और इसके अलावा मुझे कुछ कहीं नहीं कहना है, बस यही। थैंक यू। क्या लग रहा है अभी स्कॉलरशिप में सर, क्या लग रहा है 2014 में स्कॉलरशिप का कोई फायदा मिल पाएगा सर? सर सर क्या लग पा रहा है 2014 में? मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्हें आप सुन रहे थे, अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और उसके बाद अब मीडिया से मुखातिब हुए, धन्यवाद उन्होंने कहा मीडिया को भी और साथ ही साथ सोनिया गांधी को भी जिन्होंने ये मौका दिया। उन्होंने कहा कि आगे इस पर हम काम करते रहेंगे, कांग्रेस को एकजुट करते रहेंगे, साथ ही साथ देश के लिए काम करेंगे।